आप सभी ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी जैमर के बारे में तो सुने ही होंगे। तो जैमर क्या है? जैमर एक ऐसा सिस्टम है जो कम्युनिकेशन को एक तरीके से काम करना बंद कर देती है, बंद करा सकती है। तो जो कम्युनिकेशन बंद करा सकती है तो मोबाइल फ़ोन में सिग्नल, रेडियो, एप्स कुछ नहीं आएगा, या फिर एक ब्लूटूथ भी वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को देखते रहिए और हम आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे कि ये जैमर क्या है और ये कैसे वर्क करती है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो जैमर क्या है? तो दोस्तों आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ये सोचते हैं कि एक जैमर मिलिट्री या फिर आर्मी या फिर कोई भी एक इनकम टैक्स ऐसे डिपार्टमेंट यूज़ होता है। तो ये एक हाई एफिशिएंट, बहुत पावरफुल एक टूल होगा। तो नहीं दोस्तों, ये कोई एक हाई एफिशिएंट कोई टूल नहीं है। ये एक ऐसे तरीके की टूल है जो आप घर पे भी बना सकते हैं, आप खुद के एक जैमर बना सकते हैं। तो ये क्या करते गए हैं बेसिकली, ये इसका काम जो है, इसका तो काम है कोई भी रेडियो वेव सिग्नल या फिर फ़ोन की या फिर ब्लूटूथ की सिग्नल भी वो जैम कर सकते हैं। तो वो बेसिकली उसका काम क्या है और वो वर्क करते हैं कैसे करते हैं? तो बेसिकली इसका काम है कि जैसे कि मान लीजिए आपका जो फ़ोन है, फ़ोन में आप बात कैसे करते हैं, जैसे कि वो होता है डबल वे कनेक्शन होता है। आप जब कोई बात करते हैं तब अगर वो भी बात बोल कोई आपका जो फ़ोन आप जिसके पास करते हैं वो भी अगर कोई बात करते हैं तो भी आप वो सुन सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं वो ये सुन सकते हैं। यानी दोनों एक तरीके से बोलते हैं, आप बोलने के बाद वो बोलता है, ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों ये डबल वे कनेक्शन है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं उसके बाद वो भी बात कर रहा है, तो दोनों उसकी आप तो बोल रहे हो उसके साथ साथ उसकी बात सुन भी रहे हैं। तो ये होता है डबल वे कनेक्शन। अब आप सोचिए जो एक जैमर कैसे वर्क करते हैं। अब जो जैमर है वो उसका काम क्या है? उसका काम है वेव्स निकलना, यानी कि तरंग को तैयार करना। वेव्स करके वो करते हैं, जैसे कि आपका फ़ोन से एक वेव सिग्नल निकलता है। तो वेव जब वेव कनेक्शन कब होता है? जब वेव जाके आपकी करीबी कोई टावर के साथ कनेक्ट होता है, उसके बाद आपका सेटेलाइट आपका जो कम्युनिकेशन वो अच्छी तरीके से होता है। अब जैमर क्या करता है? जैमर क्या करता है दोस्तों, जो आप जो बात कर रहे हैं वो जब आप जब कोई किसी के पास फ़ोन कर रहे हैं, या फिर सिग्नल कम्युनिकेशन कैसे होता है, एक सिग्नल को भेजते हैं और एक सिग्नल रिफ्लेक्ट करके इस सिग्नल पे आके जब टच करते हैं तब कोई सिग्नल आता है। तो जब यहाँ से कोई सिग्नल निकलता है तब जो जो आपका जैमर है वो जैमर क्या करता है, वो सेम तरीके की फ़ोन से निकला हुआ सिग्नल और आपका जैमर से निकला हुआ सिग्नल दोनों एक ही तरीके से निकलता है। एक ही तरीके से निकलने की वजह से वो दोनों कम्युनिकेट होके वो एक कैंसिल हो जाता है, वो कम्युनिकेशन सिस्टम वो टावर तक नहीं पहुंच पाता। अपनी एरिया में जितना भी एरिया में होता है आपका जैमर, तो उतनी एरिया के अंदर आप कोई भी जैसे कि आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाते। कम्युनिकेशन नहीं करने की पहला वजह है जो आपका फ़ोन से भी जो तरंग वेव्स निकलते हैं और आपका जो जैमर से वेव्स निकलता है वो सेम तरीके का होता है। अब जब आपका फ़ोन से वेव्स निकलना देखता है कि आपका फ़ोन में जब वेव्स अच्छी तरीके से नहीं निकल सकता कि यहाँ पे टावर नहीं है, तो वहाँ पे क्या करता है आपका फ़ोन, और भी पावर आपका खर्च करके वो आपका जो पावर है वो वेस्ट करके और तेज़ी से सिग्नल भेजने की कोशिश करता है। तो जैमर भी वो इस सेम तरीके से करता है। तो उसके साथ साथ ही दोनों कनेक्शन एक साथ होके वो जो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम हो उससे कैंसिल कर देता है। सेम दोस्तों होता है रेडियो वेव्स, या फिर आपका अगर घर पे कोई रिमोट कंट्रोल सिस्टम है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल की टूल्स जो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो एक सिस्टम को एक जैमर एक आसानी से आपकी कम्युनिकेशन को स्टॉप कर सकती है। अब मान लीजिए जैसे कि मैं बताता हूँ रेडियो वेव का सिग्नल, जैसे कि मैं एक सैम्पल से दिखाता हूँ, आपका जो फ़ोन से निकला हुआ सिग्नल वो कैसा होता है, 1800 MHz, 1900 या फिर 800, 900। तो वो पहले क्या करता है, जब तो वो क्या करता है 800-900 MHz पे जब भेजता है तब देखते हैं सिग्नल कैच नहीं कर पा रहा है आपके टावर के साथ। तब वो जैमर भी 800-900 सिग्नल भेजता है, और जैसे कि आप 800-900 सिग्नल भेजते हैं आपके फ़ोन से,
तभी आप नहीं भेजते, वो फोन ऑटोमेटिक डिसाइड करते हैं, डिसाइड करता है। तो वो जैमर भी 800-900 सिग्नल भेज के उससे टक्कर देके उससे उसका सिग्नल कैंसिल करवा दे दिया, तो वो तब आपका फ़ोन 800, 900 या 1900 मेगाहर्ट्ज पे सिग्नल भेजता है। वो जैमर भी सेम तरीके से वही सिग्नल भेज के आपका फ़ोन, आपका जो कनेक्ट है, कनेक्शन है, वो कैंसिल करवा देती है, उसके थ्रू आपका कॉल नहीं जाता। तो ये बेसिकली दोस्तों एक ऐसा कंसेप्ट है जो आपका उस आपका जो जैमर है उसका काम है वो सिग्नल तैयार करना और सिग्नल को नष्ट कर देना। तो दोस्तों ये एक मिलिट्री में यूज़ होता है या फिर बहुत सारी जगह पे यूज़ होता है, तो ये हम बाद में बात करते हैं। तो ये आप बेसिकली मैंने पहले भी बताया कि ये आप घर पे भी बना सकते हैं, आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी वीडियो हैं। तो ये ऐसे वर्क करती है। और दोस्तों अब बात करते हैं जो आप कहीं पर देखे होंगे कि हॉस्पिटल में ज़्यादातर देखे होंगे कि वहाँ के घुसने के साथ साथ ही एक अलार्म सिस्टम है, जब आपका फ़ोन घुसते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर बोलता है कि आपका फ़ोन आप स्विच ऑफ कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे आपका टावर नहीं होता। बेसिकली वो होता है कि आपका उस एरिया के अंदर आपकी फ़ोन से जितना वेव्स निकलता है वो वेव्स को वो जो सिक्योरिटी है वो कैप्चर कर लेती है और उसके साथ साथ सिग्नल भेजती है कि यहाँ पे एक फ़ोन है। तो उससे डॉक्टर बोलते हैं कि आपका फ़ोन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मशीन है और वो जो पेशेंट है उनके लिए भी हानिकारक कर सकते हैं इसीलिए। और दोस्तों जो आप बात करते हैं कि ये जैमर कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है और बहुत सारे लोग इससे कैसे यूज़ करते हैं, तो दोस्तों पहले तो बात करता हूँ प्राइवेसी और जो बेसिकली ज़रूरतमंद चीज़ है वहाँ पे कैसे यूज़ होता है। ज़रूरतमंद चीज़ों पे कैसे यूज़ होता है, जैसे कि कोई आप देखे होंगे कोई मंत्री या फिर MLA प्राइम मिनिस्टर जो भी है उनके आसपास एक सिस्टम है, तो वहाँ पे एक जैमर लगा होता है। वो बेसिकली क्या करता है, उनकी आसपास अगर कोई रिमोट कंट्रोल बम है तो वो उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता। जब वो कार पास होगा तो उसके अंदर जैमर फिट होगा तो वो रिमोट कंट्रोल बम एक्टिवेट नहीं कर पाएगा, तो वो फटेगा नहीं। या फिर आप मान लीजिए कि कहीं पर रेड करना चाहते हैं तो रेड करने के वक्त अगर कोई फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन दे देगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर भी जैमर यूज़ होता है। अब यूज़ होता है, मैंने तो बता दिया हॉस्पिटल का क्या सिस्टम है, और ऐसे ही दोस्तों वर्क होती है। और एक फ़नी क्या बात है जो मज़े में यूज़ लेते हैं कुछ लोग, अपनी जो मैंने बताया कि ये आप आसानी तरीके से बना सकते हैं तो जैमर को आप किसी लोग मज़े के लिए कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कोई मेट्रो पे जा रहा है तो मेट्रो में जाने के वक्त अगर वो चाहता है कि कोई मुझे परेशान नहीं करे या फिर किसी का फ़ोन ना बजे, इसलिए वो जैमर ऑन करके रख देता है। प्राइवेट जैमर होता है तो रिचार्ज से ये पता चलेगा कि वो जब रख देती है उसके आसपास का सिग्नल कैंसिल हो जाता है। और ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको कुछ जानकारी मिली है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको इस बारे में कुछ बताना है या फिर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ भी गाइस मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ाना ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे।